हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल, जिसको आप सभी लोग नैनीताल हाई कोर्ट के नाम से भी जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 सितंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ रिसर्चर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इंडिया में आने वाली कोई भी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल, जिसको हम सभी लोग नैनीताल हाई कोर्ट से जानते हैं, इन्होंने 3 सितंबर 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, वो हमें लॉ रिसर्चर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम टेन्योर एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे नैनीताल हाईकोर्ट के साथ बनेगा, वो आपका 1 साल का बनेगा। अगर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस अपने सुपीरियर्स को शो करेंगे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे और इयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही आपको क्लियरली आपके रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे जो मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा, वो आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेमुनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है एज पर ऑन 3 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप अपनी एज कैलकुलेट करें 3 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग। 3 सितंबर के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 30 साल से नीचे होती है तो आप इनके एज क्राइटेरिया की कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कराए या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहा है और वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, यानी कि वो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, और अगर कोई कैंडिडेट है जो 5 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहा है और वो अपने 10th सेमेस्टर में है, तो ऐसे कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट अपनी लॉ की डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में है, वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपका
आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आपको एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। तो हमारे फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही मेंशन कराया कि कैंडिडेट के पास गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर यूज करने की। तो ये इन्होंने आपको क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एक्सपीरियंस में आपसे कुछ भी नहीं डिमांड करा गया है, यानी कि हमारे फ्रेशर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यही इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन कराया कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी नैनीताल हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट को नैनीताल हाईकोर्ट शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू के लिए, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट यानी कि कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करके ये लोग मेल या फिर एसएमएस या फिर आपको वाया पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस है आपका लॉ रिसर्चर की पोजीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको इसके पेज नंबर 3 जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है। और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इसमें मांगी गई सारी इंफॉर्मेशन को अपने हाथों से फिलअप करना है। ये सारी डिटेल्स में फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की आप किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझसे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, जैसे कि आप अपने एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट को आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करे होंगे आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करेंगे। सेल्फ अटेस्ट से मेरा मतलब है आपको पेज पे अपने सिग्नेचर और नीचे डेट मेंशन करनी होगी। इसके बाद आप इस फॉर्म को और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी पीडीएफ फाइल बनाएंगे और इस पीडीएफ फाइल को आप कैंडिडेट्स को मेल करना है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेल करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी कि पोस्ट वाला ऑप्शन यानी कि फिजिकल मोड वाला ऑप्शन इसमें नहीं रखा गया है। आप कैंडिडेट्स को सिर्फ अपनी पीडीएफ को मेल करना है और मेल जब आप कंपोज करेंगे उसके सब्जेक्ट में आप क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर लॉ रिसर्चर और उसमें आप अपना अटैच करेंगे अपने पीडीएफ फाइल को और मेक श्योर करेंगे कि आपकी पीडीएफ फाइल बिलो 10 MB होनी चाहिए। और आप कौन सी ईमेल आईडी पे मेल करेंगे ये भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि आपको कौन सी ईमेल आईडी पे अपनी मेल ड्रॉप करनी है। highcourt-ua@nic.in इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी मेल को ड्रॉप करना है। और आप जैसे ही अपने इस मेल को ड्रॉप करेंगे आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन जाएंगे। मेक श्योर करें कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिफोर 15th of September 2024 फिल अप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो याद रखिएगा 15 अगस्त से पहले आपको मेल कर देना है और कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 to 20 days में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। हमने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है।
मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स एक बार लास्ट 15 to 20 डेज के वीडियोस को चैनल पे जरूर देखें, और जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करें, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि आप कैंडिडेट्स को हर दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।